चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऐप को समाज में किया साझा। उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी के कर कमलों से लोकपर्ण होना था, पर जनता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए शेट्टी साहब इस कार्यक्रम में सहभागिता न हो सके। इस कार्यक्रम का संचालन तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजू झा ने किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर HB मिश्रा, राधेश्याम तिवारी, दिलशाद खान, डॉक्टर अजय एल डुबे, श्रीमती सुंदरी ठाकुर, डॉक्टर योगेश डुबे ने मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उपस्थित महानुभाव के हाथ दीप प्रज्वलन के पश्चात तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऐप को लोकपर्ण डॉक्टर HB मिश्रा एवं राधेश्याम तिवारी के कर कमलों से हुआ। तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऐप जो डाउट एक्स स्टोरी ऐप रियायती दरों में हर विद्यार्थी के पास पहुंचने का काम करने वाली है, उसी डाउट एक्स ऐप के संस्थापक श्रीनिवास शेट्टी ने उपस्थित लोगों को डाउट एक्स ऐप के विषय में बताते हुए उसकी उपयोगिता से अवगत कराया। तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष धर्म जोशी ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए और अपने पिता तुल्य गोपाल शेट्टी एवं अपने मार्गदर्शन राजकुमार पाल की अनुपस्थिति के अभाव की अनुभूति और अतिथियों को तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों के विषय में और तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऐप से अवगत कराया। इस अवसर पर विशेष आमंत्रितों में प्रदीप धवारे, हमसाया वेलफेयर फाउंडेशन के मंगेश मांजरेकर, कुमार गौरव शेट्टी, प्रियंका राठौड़, कोमल गड्डा, जेएस के बल्क मार्केटिंग के गौरव शाह, मित्तल शाह, बॉबी गुलाबो, याइन पाठक और साथीगण श्रीधर पाठक, PV लीगल एंड लाइफ स्किल्स के धर्मेश के घनिष्ठ हिमांशु पांड्या एवं अनेक समाचार चैनल के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए धर्मेश अल्पा पटेल ने एवं प्रीत पटेल ने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी श्रीमती रंजू झा, सुषमा दावड़े, अन्नू अकाड़े दीदी, निशा तिवारी, माधुरी कुटाड़, वर्षा कावा, वीरेन गजरा, डॉक्टर दिव्यानी कटारा एवं कुमारी सोनी चौरसिया जी की हृदय पूर्वक सम्मान कर आभार व्यक्त किया। देखिए, आज हमने तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया है। हमारे फ्रेंड श्रीनिवास शेट्टी सर के साथ में डाउटेक्स ऐप हमने लॉन्च किया है। इसके ऊपर हम काफ़ी समय से वर्किंग कर रहे थे। हमारा मेन मकसद ये है इस ऐप को लॉन्च करने का कि गरीब तबके के लोग से लेके अमीर तलक ये ऐप की सुविधा को यूज़ कर सकते अच्छी तरह से, जिसके अंदर हमको सबको मालूम है कि कोरोना के बाद क्या मुसीबतें आई है, सबको पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आ रही है। ये ऐप के फीचर्स अभी आपने देखे हैं, तो इसके अंदर ऐसा है कि हर एक जूनियर से लेके 12वीं तक हर एक बोर्ड इसमें सिलेक्ट किए गए हैं और श्रीनिवास जी ने हमारे साथ मिलकर बहुत सारी मेहनत की है। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये एक भरोसा रखा कि तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलके हम इस ऐप को ना कि मुंबई महाराष्ट्र बट ऑल ओवर इंडिया में इसको फैला सकते हैं। आज हमने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे NGOs बहुत सारे आए हुए हैं, जिसमें स्पेशली अजय एल दुबे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिलशाद खान साहब हलचल न्यूज़ के हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ बैठ के ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये ऐप का प्रमोशन होगा। साथ में हमारे साथ पूरी तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम है, हमारे साथ हमारे सीनियर, हमारी बड़ी बहन सुंदरी ठाकुर जी आई है उनका समय निकाल के, नीलम तेली जी आए हैं भाईंदर से उनका समय निकाल के सब लोग आए हुए। आज हमारे साथ अनु दीदी मौजूद है जो हमारे तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के काफ़ी मजबूत पिलर है, जो एक ऐसे समाज से प्रेजेंट करते हैं जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि भाई हमारे में कोई भी भेदभाव नहीं है। आज हमारे ट्रस्ट में उनको काफ़ी इंडिया लेवल पे पोस्ट दी गई है, किन्नर समाज की जवाबदारी दी है और उनके साथ उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि भाई कुछ भी करके हम ये हर घर में पहुंचाएंगे, चाहे वो कोई भी तरह से इसको पहुंचाना पड़े हम हर एक घर के पास जाएंगे और उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखिए, हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी साहब ने एक मुद्दा उठाया था लोकसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला था कि हर घर रामायण महाभारत जानी चाहिए। बीच में उन्होंने एक महाभारत का पूरा कोर्स किया था यहीं पोस्टर जिमखाना में, हर सैटरडे को भागवत गीता की थी, एक भागवत गीता की थी साहब ने, और उसी माध्यम से हम भागवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, जितने भी वेदा से अपने चार ग्रंथ थे वो हर एक ग्रंथ को मैं तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लॉन्च करूँगा, ताकि बच्चे के साथ
एक माता पिता भी एक जानकारी ले सके इस ऐप के बारे में और उनको बच्चों को भी ये सिखा सके कि भाई हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ क्या है। तो मैं श्रीनिवास जी को बोलूँगा कि हम उसको जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दें और उसके मुहिम चालू कर दें। देखिए धर्मेश जोशी जी ये एक नाम नहीं है, एक सोच है, क्योंकि एक सोच ही जो है इस तरीके की सोच को उत्पन्न कर सकता है। और मैं TMCT के पूरे पदाधिकारी और उनके अध्यक्ष सबको बधाई दूंगा, क्योंकि इतना पवित्र सोच जो है उन्होंने लाया और ये हमारे ऐसे दबे कुचले लोगों के लिए ये जो ऐप है मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा शस्त्र साबित होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी रंजू झा जी बता रही थी कि पढ़ाई लिखाई में हमारे कितने खर्च होते हैं, कोविड के बाद सबकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, उस परिस्थिति में इन्होंने एक ये जो है हम सभी के सभी पेरेंट्स के लिए इन्होंने एक अच्छा एक सुकून भरा एक जो है ऐप के माध्यम से एक एजुकेशन का एक इन्होंने जरिया ढूंढा है। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को ये मैं बताऊँ कि इस ऐप को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये जन जन तक ये पहुँचे और जितना ये दूर तक पहुँचेगा उतना इसका लाभ होगा और हमारे धर्मेश भाई की जो मेहनत है वो सफल होगी। तो मैं इस प्रयास के लिए धर्मेश भाई की और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी है ये आज की भागती हुई दुनिया के लिए, जो ये डिजिटल दुनिया है इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना और बच्चों को इस तरह से शिक्षित करना ये बहुत अच्छी बात है। मैं धर्मेश जोशी जी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूँ, बच्चों को बहुत फायदा होगा और पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। सर इस ऐप में श्रीमद् भागवत गीता भी है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, दुनिया के लिए एक तरह से संविधान है। अगर श्रीमद् भागवत गीता को हम आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन दुनिया का जीवन स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा और जो आज की दुनिया में इस तरह की जो कमियां आ रही हैं उसको पढ़ करके वो सब कमियां दूर हो जाएंगी और अपना जीवन प्रकाशमय होगा, दुनिया प्रकाशमान हो जाएगी और समाज प्रकाशमान। सर TMCT का ऐप लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो अभिनंदन करना चाहूँगा धर्मेश जोशी और उनकी टीम का, तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और ये इनोवेटिव स्टेप है जो आज ऐप लॉन्च की गई है। एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हर एक जो बोर्ड है, IG हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो या फिर IB हो, उसके सारे कोर्स के बारे में चैरिटेबल रेट में केवल 500 रुपया महीना के माध्यम से ये बच्चे सीख सकते हैं और ये आगामी दिनों में बहुत अच्छा ऐप रहेगा ऐसा मैं। सर इस ऐप में एक और बहुत इंटरेस्टिंग दिन थे श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा है ये, एक्चुअली में ये किसी ने नहीं सोचा था, इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स पहली बार सोचा है, जैसे गेम भी डाला है और बड़े बुजुर्गों के लिए भागवत गीता है या अन्य ग्रंथ है जो हमारे जो जिस धार्मिक ग्रंथ है उसका भी उन्होंने डाला है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, ये शुभकामना दे। सर के साथ तो हमेशा सपोर्ट रहा है हमको और ऐप तो बेसिकली हमने सर को सपोर्ट करने के लिए बनाया, अभी मुनीम हुई है कि लोअर लेवल, क्योंकि ऐप आज जितने भी मार्केट में एजुकेशन ऐप है ज़्यादा करके उनका फोकस हाई मिडिल क्लास और हायर स्टैंडर्ड्स को लेकर है, हमने ये ऐप बेसिकली लो मिडिल क्लास और लोअर जिनके पास एजुकेशन के लिए इश्यूज़ है, मॉनिटरी इश्यूज़ है, उनके लिए बनाया हुआ है खास करके, इसी के लिए हमने तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ टाइप किया हुआ। इस ऐप को लेकर हम ये चाहेंगे कि हर एक बंदा या किसके जो भी पेरेंट्स हो वो एक हफ्ते के लिए फर्स्ट ट्रायल करें और उनको अगर ऐप अगर पसंद आता है तो फिर वो अपने सब्सक्राइब करें। ये ऐप के बारे में तो मैंने जैसे बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस ऐप को, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो पढ़ाई भी उस तरह से डिजिटल हो, क्योंकि कोरोना के बाद हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बढ़ गए,
तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसके बावजूद भी लोगों बच्चों को क्लासेस में जाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा मतलब एक बोलते हैं ना ट्रेंड बन गया है कि क्लासेस ट्यूशन तो जाना ही है हमें। तो इस ऐप के द्वारा इस तरह से हम लोग ने कोशिश की है कि बच्चा घर में ही बिना कोई क्लासेस या ट्यूशन के इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए और अपनी पढ़ाई ईजी कर पाए, और वो भी एक पिक्चर मूवीज इस तरह से कोई भी चीज़ को आप देखो जैसे बुक लेके बैठोगे ना तो नींद आने लगेगी जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। और बच्चों को अगर मोबाइल दे दो उसमें कुछ रील्स चल रही है कुछ चल रहा है तो एकदम खुशी से देख रहे हैं। तो इस माध्यम से हम लोग ने यही कोशिश की कि बच्चा खुशी हंसी खुशी मोबाइल के द्वारा ही इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार सके इस पढ़ाई को। इस ऐप के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का है कि डिजिटल इंडिया, पेमेंट डिजिटली हो गया है, हर चीज़ डिजिटल हो गया, गैस के लाइन में हम लोगों को लगना नहीं पड़ता है, छोटी छोटी जितनी भी जीवन की मूलभूत योजनाएं हैं वो सब डिजिटली हो गई है। बच्चों को अगर हम स्कूल भेजते हैं तो क्लासेस जाने के लिए वो फिजिकली हराश्ड रहता है कि मैंने 8 घंटे स्कूल में दिए हैं उसके बाद 4 घंटे क्लासेस भी जाना है। तो क्लासेस के बोझ को कम करने के लिए बच्चे स्कूल में भी पढ़े और घर में सेल्फ स्टडी कर सके इसके लिए हमने इस ऐप का लॉन्चिंग रखा है, और इस ऐप में सभी बोर्ड की सभी सिलेबस को इंक्लूड किया गया है जो बच्चों के लिए इजीली समझ में आए, और उस तरह से इसको मैनेज किया गया, डिज़ाइन किया है जो प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक के सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ सके, ना कि कोई प्रेशर हो, और अपनी सुविधानुसार समयानुसार ये घर में बैठ कर पढ़ाई कर सके। मेरे एरिया में इतने बड़े बड़े स्लम हैं, लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, तब ये सुनते तो बहुत, हम एक इंसान हम कितनों को कहेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपके लिए करेंगे, इट्स नॉट ईजी। एक बच्चे को भी पढ़ाना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। तो जो ये ऐप है मैं कहूँगी ऐसा सोच ऐसे विचार बहुत कम लोगों के दिमाग में आते हैं, जो धर्मेश भाई उनकी फैमिली एंड अजय दुबे जी दिलशाद भाई इन्होंने जो मिल के काम किया है, हमारी रंजूजा मैडम जो कह रही है कि मतलब मैं कहती हूँ कि सबका बहुत इसमें योगदान है। TMC का जो ये आज धर्मेश भाई ने ऐप लॉन्च किया है इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स हमारे यहाँ सबसे पीछे है। मैं अभी फ़िलहाल बीच में जब चाइना गया था तो चाइना में वहाँ पर चैनल अगर आपको कोई देखने को मिलेगा ना तो उनका कल्चर का कुंफू का और उनके बारे में बताने का, फिर उसका तीसरा उनका चाइना में एक ही चीज़ रहती है कि हमारा कैसे कैसे चीज़ उत्पाद करें कैसे, सिर्फ चैनलों पर वो आता है और एक एजुकेशन। तो और हमारे इंडिया में कैसा है कि इंडिया में हमारे को दिया है व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम, क्या आप इस पे लगे रहो और हम इस पे लगे रहे, और ये इजाद किसने किया, चाइना ने, सब बाहर कंट्री ने दिया है, और बाहर कंट्री में व्हाट्सअप भी बैंड है और फेसबुक भी बैंड है। वो हमको दिया है कि हम एजुकेशन से पीछे रह जाएं और एजुकेशन उनकी हाई, और आज चाइना कहाँ पहुँच गया, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कहलाता है। तो जो इन्होंने ऐप हमको दिए वो हमारे ऐप ऐसे हैं कि हमको बिगाड़ने के लिए, बच्चों की आज जो लड़कियां छोटी छोटी बच्ची है बच्चे सबकी लाइफ ख़राब हो रही है, फेसबुक से सारे रिलेशनशिप हो रहे हैं उनके। तो अभी जो इन्होंने ऐप चालू किया है ये एजुकेशन का, ये एक पहली शुरुआत है और ऐसे ही सबको करना चाहिए और ऐसे ही लॉन्च ऐप ये सब लॉन्च करने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को जो आज फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगे हैं उससे छूट के थोड़ा एजुकेशन पर ध्यान दें, एजुकेशन से आगे बढ़ें और हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो आगे बहुत अच्छा भविष्य उनका सफल रहे। धन्यवाद। धर्मेश जोशी जी को पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे यंग यूथ बच्चे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये ऐप जो लॉन्च किया है जिससे उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आएगी, और ये ऐप से उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी जिसमें उनको पढ़ाई में कभी कभी तकलीफ़ें आती है कि कभी कुछ चैप्टर समझ में नहीं आता है, कभी कुछ समझ आता नहीं है, तो उन्हें इस ऐप के माध्यम से उन्हें जो उनका सिलेबस जो छूट गया है वो चीज़ वो उनको पूरा हो जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेश जोशी जी को, और उनका ये जो लोगों के लिए, उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार है ये हमेशा बने रहे और हम उनके साथ रह के काम करना चाहेंगे और उनके साथ इस चीज़ में हम भाग लेके हम जोर से
इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे जितना लोगों तक पहुंचे अच्छे से। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी धर्मेश जी को, अल्पा दीदी को, जिन्होंने इस ऐप के जरिए स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की है। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल के एजुकेशन के अलावा बच्चों को क्लासेस की फीस देना सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से वो लोग उन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं जो पढ़ाई में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। धर्मेश भाई को, तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आज जो काम किया ना, बहुत ही काबिले तारीफ है। क्यों, मैं इसकी अहमियत इसलिए समझ पाई कि मैं ऐसे रोड पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उन लोग को कुछ अलग दे, उन लोग भी ऐसे दिशा में आगे जाए, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अभी हमारे बच्चों को भी अपने टेक्निक के बारे में और बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। साथ में उन्होंने जो भगवद गीता और उसका बेला, तो वो भी हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। और धर्म और शिक्षा दोनों साथ में चले तो बहुत ही अच्छा वर्क किया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से।